ऑलराइट, अब हम करेंगे टाइम कंपेयर कमांड। टाइम कंपेयर, इसमें हम कंपेयर करेंगे रियल टाइम को यूजर के टाइम के साथ। तो ये कमांड है TCMP टू कंपेयर रियल टाइम विद यूजर टाइम। ओके, मैं यहां लिख देता हूं। टू कंपेयर रियल टाइम विद यूजर टाइम। अब यूजर टाइम क्या है कि जो टाइम यूजर डालेगा HMI में, उसको हम रियल टाइम जो आपकी RTC क्लॉक है उसके साथ कंपेयर करेंगे। मैं यहाँ पे RT लिख रहा हूँ और यूजर टाइम या सेट टाइम में ST लिख रहा हूँ। कंपेयर करेंगे कि रियल टाइम उससे ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वलेंट है, उसके बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट्स लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं कमांड का सिंटेक्स लिखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे, लेट्स से ये कंडीशन है M1000 कि हम ऑल द टाइम हमें कंपैरिजन चाहिए, और ये ब्लॉक आएगा TCMP और यहाँ पे आएगा सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3 एंड द मेन सोर्स। उसके बाद आउटपुट पे आपके पास आएगा एक डेस्टिनेशन। ओके, अब इसका मतलब क्या है? सोर्स 1 में आता है आपका आवर्स, सोर्स 2 में आते हैं आपके मिनट्स, सोर्स 3 में आते हैं आपके सेकंड्स, और ये जो मेन सोर्स है ये आपका RTC सोर्स है। सेम सीक्वेंस में आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, बट यहाँ पे आप सिर्फ आवर मेंशन करोगे, फर्स्ट डाटा रजिस्टर वो M और S ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके, डेस्टिनेशन में आप आउटपुट दोगे। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे Y0 लेता हूँ कि मुझे रिजल्ट्स आउटपुट पे देखने हैं। आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, अगर आपको याद हो हम पुरानी वीडियोस में, बिकॉज मैं उसी कोड को कंटिन्यू करूँगा, हमने इंस्ट्रक्शन ली थी टाइम डाटा रीड की, जहाँ पे लिखा था मैंने TRD D0, दिस इज T0। ओके, जिसमें कि D0 में आपका क्या आ रहा था? ईयर, देन D1 में आ रहा था डे ऑफ द वीक, एंड D2 में आ रहा था मंथ, D3 में था डेट, और जो मेन इंटरेस्ट है हमारा इस कमांड में D4 में था आवर्स, D5 में मिनट्स एंड D6 में सेकेंड्स। ओके, हमने कंपेयर करना है टाइम, हमने मंथ, डेट, ईयर कंपेयर नहीं करना, हमने टाइम कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जो सोर्स है यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला रजिस्टर D4। ओके, तो मैं यहाँ पे D4 लिख देता हूँ, D4 आएगा। आवर्स, मिनट, सेकेंड, ये यूज़र डालेगा यहाँ पे कि कौन से डाटा रजिस्टर को यूज़र ने कंपेयर करना है। तो लेट्स से यूज़र यहाँ पे यूज़ कर रहा है D10, D11, D12। तो इन द एंड कंपेयर क्या होगा? D10 कंपेयर होगा D4 से, D11 कंपेयर होगा D5 से, D12 जो सेकेंड से कंपेयर होगा D6 से। ओके, और रिजल्ट आएगा Y0 में। तो कंपेरिजन क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊँगा। अगर आपका सेट टाइम ग्रेटर देन है रियल टाइम से, Y0 ऑन होगी। सेट टाइम है इक्वलेंट टू रियल टाइम, Y1 ऑन होगी। सेट टाइम है लेस देन रियल टाइम, देन Y2 ऑन होगी। तीन आउटपुट आएंगे बिकॉज कंपैरिजन तीनों चीज़ों का होगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वलेंट टू। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ। मैंने कमांड ऑलरेडी बनाई हुई है यहाँ पे M1000 TCMP, P मैंने ले हुआ बिकॉज पल्स एग्जीक्यूशन है, बट आप इस P को हटा भी सकते हो। तो लेट मी जस्ट रिमूव इट बिकॉज डजंट मेक एनी सेंस। तो M1000 कंटिन्यूसली कंपेरिजन करेगा, ये मेरी कमांड है। D10, 11, 12 यूजर के तीन रजिस्टर हैं, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स। ये आपका D4 स्टार्टिंग आवर है जो हम रियल टाइम रीड कर रहे हैं। डेस्टिनेशन इज Y0। सो उसको डाउनलोड करते हैं, ट्रांसफर टू माई PLC, ट्रांसफर, गो ऑनलाइन। अब इनमें कोई जीरो वैल्यूज़ है बिकॉज मैंने HMI स्क्रीन बनाई हुई है। तो अब मैं वैल्यूज़ डालूंगा आवर्स, मिनट, सेकेंड्स में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आवर मेरा यहाँ पे D10 है, मिनट्स मेरा D11 है और सेकेंड्स मेरा D12 है, और ये तीन आउटपुट है Y0, Y1 एंड Y2। ओके, अब इसको ऑनलाइन जाते हैं।
अब यहाँ पे आप देखोगे हमारा टाइम ऑलरेडी एंटर्ड है 18 आवर 29 मिनट्स एंड दिस इज द सेकेंड. ओके तो अभी देखो टाइम कंपेयर हमारा रियल टाइम से कम है, तो सेट टाइम इज लेस देन रियल टाइम बाई टू ऑन है. अब मैं लेके जाता हूँ 18:30 मिनट्स एंड लेट्स से 20 सेकेंड्स. अब ये टाइम इस टाइम से ज़्यादा है बिकॉज 20 सेकेंड्स है, ये 7 सेकेंड है, तो ये आपके आउटपुट ऑन है. अब देखो 10 सेकेंड के अंदर जब ये इक्वल होगा वाई वन ऑन होगी उस टाइम पे इक्वल होगा और फिर लेस देन हो जाएगा तो वाई टू ऑन हो जाएगी. ये भी आप देखोगे 19:20 पे वाई वन ऑन, 21 पे वाई टू ऑन. ओके तो आपकी जो तीन स्टेटस है वाई जीरो वाई वन वाई टू ये एक तरह से आपको बता रहा है कि टाइम आपका रियल टाइम से कम है, ज़्यादा है या इक्वलेंट टू है. ओके तो यही एक बेसिक सी इंस्ट्रक्शन थी. आप कंपेयर कमांड से आप टाइम कंपेयर यूज़ कर सकते हो और ये टाइम कंपेयर कमांड आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो, तो आप काफ़ी अलग अलग चीज़ें रियल टाइम के साथ कंपेयर करके अपने HMI पे डिस्प्ले कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कोई अलार्म या कोई चेंज इन शिफ्ट या किसी मोटर को ऑन या ऑफ करना है डेली 9 बजे से 5 बजे तक किसी चीज़ को ऑन करना है तो आप टाइम कंपेयर लगा दो और उससे आप तीन आउटपुट्स को यूज़ करके चीज़ों को कंपेयर करके ऑन ऑफ कर लो. ओके काफ़ी ईजी है और इसको आई थिंक ये आप शायद सिमुलेशन पे ना चले, आई एम नॉट श्योर बिकॉज सिमुलेशन पे रियल टाइम क्लॉक आई एम नॉट श्योर, बट आप ट्राई करके देख लेना अगर सिमुलेशन में चलता है या नहीं चलता. ऑलराइट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम जोन कंपेयर करेंगे. सो हैव फन.